ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, मतलब किस टाइप का सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये तीन चीजें जो हमें जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक हम वर्ब देखो नहीं लगा सकेंगे। तो मुझे वो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स के, तो उसमें मुझे थोड़ा ये फील होता है कि अब तक हमें सब्जेक्ट भी काफी हद तक समझ में नहीं आया। कल तो मैं मतलब मुझे तो प्रॉब्लम हुई, काफी परेशानी हुई जब शाम की क्लास गई, तो मैंने रेंडमली कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस, जो वैसे तो मैं मैसेज पे जवाब देता हूँ, लेकिन रेंडमली उनके मैंने कहा ये सवाल आप जो है वो मैं शेयर भी कर लूँ बोर्ड के ऊपर, रेंडमली मैंने लिया। तो वो रेंडमली मैंने जब जवाब दिए स्टूडेंट्स के कुछ सवाल के, तो आप लोगों के कुछ मतलब बहुत जो वो परेशान कुन जो वो यहाँ पर बातें आ गई कि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये करते हो। भाई मैं तो पहचानता नहीं हूँ किसी को, मैं तो ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या बता कि कौन है सिलेक्ट, सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, आप भी मेहनत पे ध्यान दें, ऐसी बातें ना करें कि भाई सिलेक्टेड या इलेक्टेड है। बिल्कुल हम टीचर हैं और मैं बीइंग ए टीचर जो वो ऐसी बात बिल्कुल पसंद नहीं करता और बहुत खराब लगता है मुझे। कोशिश करते हैं जवाब दे दें, लेकिन अब आप देखें आप 1,000-1,200 स्टूडेंट्स हैं, अब हम भी आपको रोजाना इतने सारे मैसेज करें तो जाहिर है जवाब तो नहीं पाएंगे ना आप। देखें ये बातें होती हैं, तो थोड़ा मतलब जवाब कमेंट में इनमें लिखने में थोड़ा केयर करें। अच्छा तो बेटा मैं बात कर रहा था आपसे, यानी अब जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, वो प्रॉब्लम जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है। और कुछ स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन किया कि सर हमें सब्जेक्ट बताएं कि प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर का किस तरीके से होता है। वो भी मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए बनाई है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्ट्रक्चर मैं आपको दूँ ताकि आप जो है वो उस स्ट्रक्चर पे यानी आप हाँ ये पढ़िए, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो आप देखें इधर लिखा हुआ है ऊपर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स विथ कंफ्यूजिंग एस एंड वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब ये इंक्लूड है टेस्ट में है, इंक्लूड से मतलब ये टेस्ट का कोई अलग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं, बल्कि ये वो चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी ये टेस्ट में इंक्लूडेड है बेटा, लेकिन हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आते कि कौन सा प्लूरल कैसे होता है, एस लगता है कैसे। तो वो सब्जेक्ट्स मैंने नाम दिए हैं कि भाई अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो इनके साथ कौन सा वर्ब आएगा, पढ़ा दिए मैंने एक दो दो अल्फाज देकर एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन वो फिजिकली वर्ड्स आपके पास नहीं है, तो मैंने वो कलेक्शन अल्फाजों की भी मैं दे रहा हूँ आपको। तो ऊपर जो हमारी हेडिंग है देखो, सब्जेक्ट्स विथ कंफ्यूजिंग एस एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो कैसा हम लगाएं, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके आखिर में क्या इस्तेमाल हो, यानी वो अल्फाज आपको नजर आ रहा है या नहीं पहले ये बताएं। ये बोर्ड आपको क्लियरली नजर आ रहा है, विजिबल है, राइटिंग नजर आ रही है आपको प्रॉपर नमूने से। वर्ड्स एंड एट एस मतलब ये जो मैंने मैथमेटिक्स वगैरह इस तरीके से आपको बताया था वही बात है। एंड बिकॉज ऑफ दियर एंडिंग एस यानी एस की वजह से दीज वर्ड्स अपियर टू बी प्लियर प्लूरल, सॉरी मतलब ये अल्फाज जो नजर आते हैं हमें कि ये जैसा कि प्लूरल वर्ड्स हो। जब एस आखिर में आता है मोस्टली कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये होता है कि ये वर्ड प्लूरल हो गया क्योंकि एस लगा हुआ है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, लेकिन ये अल्फाज तो सिंगुलर होते हैं एंड शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है, हेल्पिंग या जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, यानी आप इज एम आर वाज वर ऐसा इस्तेमाल करें हैज एम, तो भी ये सिंगुलर होगा इसका और इधर भी सिंगुलर। अब ये लिस्ट है देखो इनकी, वो वर्ड्स हैं, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स, मतलब ये वो अल्फाज है सब्जेक्ट है जो हमें पता नहीं है कि वो ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनके आखिर में एस भी लगे और फिर वो सिंगुलर में इस्तेमाल हो। देखें ये सेंटेंस ऐसे देते हैं, अब लिस्ट नंबर वन है जैसे वेजेस होता है, न्यूज, टाइडिंग्स, सीरीज, इनिंग्स, मीन्स, समन्स, गैलोस, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो थोड़ा एक्सेप्शन है वो भी आपको बताते हैं या बताएंगे। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, ये नाम देखो वर्ड दे दिया है। लिस्ट नंबर टू में सब्जेक्ट्स के नाम है जैसे मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स एटसेट्रा।
लिस्ट नंबर थ्री में नेम्स ऑफ डिजीज या डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस के जो नाम होते हैं, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रेबीज, एड्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ठीक है ना, डायबिटीज, इस तरीके से देखो ये सारा है, वो भी सिंगुलर कंसीडर होते हैं। अच्छा, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये तो मैंने पढ़ाया है, अभी हमारे टेस्ट के अंदर ये रूल नहीं है, लेकिन समझ लो प्लीज, कंट्रीज के नेम जिनके आखिर में एस आता है लेकिन फिर भी उनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मालदीव्स एटसेट्रा, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, ऐसे नेम्स ऑफ सम गेम्स, देखो उनके आखिर में एस, तो असल में बात क्या है, ऊपर लिखा हुआ है यानी एस एस वाली बात है, लेकिन फिर भी अब एस आ रहा है, जैसे देखें ब्लेड्स, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, डोमिनियोज, ठीक है, ये देखो आखिर में एस आ रहा है, फिर ओके बुक्स के नाम आगे देखो, तो ये जो अल्फाज हैं ये जब इस्तेमाल होते हैं तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये आपके जब सब्जेक्ट हो, ये अल्फाज जब आपके सब्जेक्ट हो तो आपका वर्ब जो होगा यानी सिंगुलर होगा, ठीक है, जैसे ये तो मैं बताता हूँ नोट्स जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर जो आप पूछते हैं जैसे कल भी आप सवाल कर रहे थे कि सर पुलिस के साथ है तो आर्मी के साथ में कैसे नहीं है, अब ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है भाई, हम कोई झगड़ा तो नहीं करवाते कि आर्मी और पुलिस के बीच में कोई, जैसे रूल सेट हुआ तो वही बताएंगे कि पुलिस के साथ है तो आर्मी के साथ नहीं है, अगर टीचर के साथ है तो स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं है, अब ये मतलब देखो आप खुद भी ग्रामर का क्वेश्चन है या कोई मतलब जैसे हमारे जहन में आ जाता है वो हम कर लेते हैं, तो अब देखो इधर एग्जाम्पल दिए हुए वेजेस ऑफ सिन, देखो आप आर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर बेटा हेडिंग है, हेडिंग के बाद पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद ये एग्जाम्पल्स हैं और मतलब अल्फाजों के एग्जाम्पल्स हैं, अब देखो सेंटेंसेस वाले एग्जाम्पल है और वर्ब वाले एग्जाम्पल है, तो वेजेस ऑफ सिन इज हेल, ठीक है ना, आप देखो ये वेजेस ऑफ सिन इज हेल होगा, टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड, is going to be played, देखिए singular verb हम इस्तेमाल करते हैं इनके साथ, the second innings, देखो ये आया है last year आप देखें, the second innings was, were delayed नहीं होगा, was delayed होगा, अब देखो ये मतलब gymnastics looks difficult and it is, देखो they are नहीं होगा, ये इधर भी आपको error दे सकता है, इधर दे सकता है they are दे सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि ये गलत है तो इसके साथ हम सिंगुलर, या सेकंड देखें द न्यूज इज, बेटा आर नहीं होगा, आर गलत, ये आप नोट भी कर ले क्योंकि मैं बोर्ड को इसको ऊपर करूंगा तो ये राइटिंग इधर उधर होगी, फिर आप पूछेंगे सर कौन सा वर्ब लगेगा, तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, देखो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा ये दोनों सिंगुलर इन अल्फाज के साथ, रही बात इधर देखें इधर लिखा हुआ है सर्टन वर्ड्स Always take plural verb and helping verb. एक थोड़ा मतलब subjects का नाम मैं बताता हूँ और भी, अच्छा ये जो अल्फाज है इनके साथ आप plural लगाएंगे, बेटा ये देखो नजर एस बिले नहीं है, ये subjects है, मैं आज subject ये बता रहा हूँ आपको, तो आप देखें इनके साथ जो verb इस्तेमाल करेंगे वो plural verb होगा, वो singular verb नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है ना, केटिल आर ग्रेजिंग, क्या केटिल, देखो केटिल आर ग्रेजिंग, तो ये सब्जेक्ट है बेटा, देखो ये सब्जेक्ट है, तो ये जब सब्जेक्ट आएंगे इन सब्जेक्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, केटिल आर ग्रेजिंग, ठीक है, पुलिस आर, देखो वर्ब या वर्ब इन आर या वर या हैव या जेंट्री हैव या आर या देखो वर्ब प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, किलर जी देखो आर वर हैव, तो आप इनके साथ क्या लिखा हुआ है, भले ये फिजिकली अल्फाज अपियर हो रहे हैं सिंगुलर, इनके साथ एस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भी आप वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कौन सा होता है, वो वर्ब यानी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, और देखो बेटा इधर आपको दूसरे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्लियर करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पेयर वाले अल्फाज होते हैं, दो हिस्सों में होते हैं, मतलब वर्ड तो एक होता है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो देखो उनके दो हिस्से होते हैं अल्फाज, मतलब वर्ड एक होता है लेकिन वो मीनिंग हमें लगता है कि उसके दो हिस्से होते हैं, तो हम उनके साथ भी देखो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी पेयर वर्ड्स होते हैं, पेयर वर्ड्स
या आप बोले उनको पेयर नाउन्स, ओके, पेयर वर्ड्स या नाउन्स जो होते हैं, तो वो इसीलिए प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं क्योंकि उनके दो हिस्से होते हैं, इसीलिए हम उनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ साथ आप देखो, लेकिन ये तो सिंगुलर वाले हो गए, तो पेयर वर्ड्स वाले आप देखो जैसे ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लासेस होते हैं, जैसे आप देखें स्पेक्टेकल्स होते हैं, ठीक है बेटा, जैसे हो गया, या सॉक्स हो गया देखो, या देखो सीजर्स हो गया, तो ये पेयर वाले वर्ड्स हो गए। क्या ये पेयर वाले, जैसे ग्लासेस हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, सॉक्स हुआ, या ग्लोव्स हो गया, देखो पेयर वाले वर्ड्स हो गए, ठीक है बेटा। तो ये जो पेयर वाले अल्फाज होते हैं, इनके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ये भी सब्जेक्ट्स के तौर पर आप यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, सॉक्स, सीजर्स, ग्लोव्स, शूज, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो होते हैं, या मतलब कोई और भी इसके साथ आप एड करें तो वर्ब प्लूरल होगा, जैसे सीजर्स, सीजर्स आर होगा, या स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, डू यू बिलीव, स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल। तो आपने देखो हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया, स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये आपका प्लूरल वर्ब है। तो ये नोट करें, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, हम इन सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब आपका प्लूरल होता है। कौन सा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है बेटा। देखो ये ग्लासेस एस भी लगता है, अब देखो मैंने इसीलिए कंट्रास्ट में दिया है क्योंकि इधर भी एस वाले वर्ड्स पड़े तो, लेकिन ये जो है वो क्या है, देखो नाम है, खास तौर पर नाम या एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर या अनकाउंटेबल के तौर पर आ रहे हैं तो हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके दो हिस्से, ग्लास के दो हिस्से हो गए, मतलब ग्लास जो चश्मे वाला होता है वो उसके दो हिस्से हो गए, स्पेक्टिकल्स वही देखो इसकी मीनिंग सेम आ रही है, दो हिस्से, सॉक्स के दो हिस्से होते हैं, सीजर्स के आप देखो दो हिस्से होते हैं, ग्लोव्स के आप देखो दो हिस्से होते हैं, जैसे शूज, मतलब जो पेयर में चीज होती है बेटा, जो पेयर वाले अल्फाज होते हैं जो पेयर में यूज करते हैं तो उनके दो हिस्से होते हैं, इसीलिए हम इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, वो अलग सेपरेट नहीं होता, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या मालदीव या देखो दो हिस्सों में नहीं होता, ये एस लिखा होता है तो ये सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं, ये प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं। और इधर जो ये नाम दिए हुए हैं आपको, मतलब वर्ड्स के, जैसे पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, गवर्नमेंट, जेंट्री, एस नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम इनके साथ वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब हम यानी प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, आप प्लीज इनको थोड़ा देखना, ये थोड़ा मतलब आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप प्लीज इनको नोट कर देना, कहीं आपको मतलब स्ट्रक्चर में या इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, अब इधर देखो थोड़ी सी मतलब कंडीशन जो है वो हमने आपको दिए, आपको यानी बताते हैं बेटा, यानी इसमें थोड़ा जो क्या एक्सेप्शन है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो अलग हमने कॉलम जो है वो बनाया है ताकि आपका यानी ये क्लियर हो जाए। इसमें और तो कुछ भी नहीं था, इधर में देखो इधर यानी ये आप हटा दें इसको, प्लूरल वर्ब जो होता है ये हमने किया है और कुछ नहीं, प्लूरल वर्ब इसके साथ ना इस्तेमाल करें, ये हमने इस्तेमाल के रखा था, ठीक है ना बेटा। और इनके साथ भी प्लूरल वर्ब ये जो कैरी करते हैं, प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं। अच्छा देखो इधर जो कॉलम्स लिखे मैंने, जो ऊपर एस वाले अल्फाज थे, उसमें कहता है कि सम अकेडमिक डिसिप्लिन्स, सम अकेडमिक डिसिप्लिन्स से मुराद सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं, सच एज पॉलिटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, फोनेटिक्स, टेक सिंगुलर वर्ब, टेक अ सिंगुलर वर्ब, हाउएवर एज अ जनरल यूज दे टेक प्लूरल वर्ब। मतलब जब ये सब्जेक्ट के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो, बट बहुत रेयर यूज है, बहुत रेयर यूज है ये, मतलब ना होने के इस्तेमाल। लेकिन मैं आपको एक दे देता हूँ भाई, कहीं अगर ऐसा आ जाए कोई एग्जाम्पल तो फिर आप यानी ऐसा ना हो, लेकिन ये बिल्कुल ना होने के बराबर इस्तेमाल, ये सेकेंड वाला, ये तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल यानी पॉलिटिक्स हमने पढ़ा है इज पॉपुलर, ये हमें पता है ऐसा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज पॉपुलर एट दिस यूनिवर्सिटी, मतलब इसको क्या लिया गया है, इसको एज अ सब्जेक्ट लिया गया बेटा। तो जब एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा
ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आप कंसिडर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेकंड में देखो, स्टेटिस्टिक्स, ये अब सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है। जब आप सब्जेक्ट के तौर पर मतलब लेंगे देखो, तब सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स वोस, इकोनॉमिक्स वोस, देखो सब्जेक्ट के तौर पर जब लेंगे तब आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इनको सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर किया है, तो देखो वर्ब इधर सिंगुलर है, वर्ब ये सिंगुलर हुआ, वर्ब ये सिंगुलर हुआ, मतलब हर जगह पर आपको वर्ब सिंगुलर नजर आ रहा है। लेकिन देखो ये जनरल यूज है, सब्जेक्ट वाला नहीं है। हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके इन दोनों को समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ अल्फाज जो हमने पढ़े तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब देखो जनरल यूज है, हर पॉलिटिक्स आर ब्रॉडनिंग, हर पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल बिलीव्स, सोच विचार जो इनके सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, लेकिन ये अलग जो है वो उनका ख्याल जो होता है, कोई ओपिनियन जो होता है वो बात हो रही। तो जब ऐसी बात होगी, जब ऐसा कोई डिस्कशन होगा तो देखो इसको एस, इस एस को जो हम कंसीडर करेंगे ना, इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड बात, आप खुद देखें इस स्टेटमेंट या सेंटेंस में से आपको कहीं सब्जेक्ट का सेंस नहीं नजर आ रहा है। आप इधर देखें, यानी पॉलिटिक्स इज पॉपुलर एट दिस यूनिवर्सिटी, मतलब दिस सब्जेक्ट इज पॉपुलर एट द यूनिवर्सिटी, तो आप देखें सब्जेक्ट वाला सेंस आ रहा है। यूनिवर्सिटी वगैरह टर्मिनोलॉजी देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, सेंटेंस का सिचुएशन देखें, पूरी के अंदर आप देखो क्लू नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है। लेकिन आप सेकंड स्टेटमेंट में देखें, यानी पर्सनल हो गया, देखो हर हर पॉलिटिक्स आर ब्रॉडनिंग, ठीक है, तो देखो ये कोई सब्जेक्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका ख्याल और विचार का बात हो रहा है। इधर देखो आप सेकंड एग्जांपल को भी देखें बेटा, मतलब इनको कंपेयर किया है, इधर भी पॉलिटिक्स रखा है, इधर भी पॉलिटिक्स रखा है, इधर भी स्टेटिस्टिक्स रखा है, सेम सब्जेक्ट को रखकर हमने कंपेयर किया है, तो स्टेटिस्टिक्स आर एबल टू प्रूव एनीथिंग। तो देखो स्टेटिस्टिक्स से मुराद क्या, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, तो इधर सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये मतलब अलग कोई इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, शुमारियात की बात कर रहा है, हिसाब किताब की बात कर रहा है। तो मतलब जो एक सर्वे होती है, जैसे हम कोई शुमारियाती सर्वे करते हैं मैथमेटिकली, उसकी बात कर रहा है। स्टेटिस्टिक्स आर एबल टू प्रूव एनीथिंग, मतलब ये अलग है, कोई सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। तो इसीलिए देखो ये इस एस को हमने प्लूरल कंसिडर किया और वर्ब भी हमने प्लूरल इस्तेमाल किया। लास्ट में भी बेटा देखें, द इकोनॉमिक्स बिहाइंड देयर पॉलिसीज आर रीजनेबल, ठीक है, तो देखो आर इस्तेमाल हुआ क्योंकि इधर देखें फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात नहीं आ रही। तो सब्जेक्ट की बात होती तो सिंगुलर वर्ब देखो इधर इस्तेमाल किया हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इधर प्लूरल इस्तेमाल हो गया है क्योंकि हमने ब्रेकेट के अंदर भी दे दिया है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है। तो यानी ये सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों में होता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब आप समझें कि 99% जो है वो ये इस्तेमाल नहीं होता, 99% ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, कम इस्तेमाल होता है, मतलब हमारे एग्जाम के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99% इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जाहिर पढ़ाना तो है, बताना तो है ना। और ये जो है वो आपका समझ लें कि 99% समथिंग जो है वो इस्तेमाल ये होता है। तो इसीलिए ये तो क्लियर है, क्योंकि ऊपर भी हमने जो आपको दिया सब्जेक्ट के नाम के हवाले से और ये भी दे दिया। तो बेटा इधर देखो मैंने जो आपको इस शीट पे बताया वो सब्जेक्ट्स थे, आज सब्जेक्ट्स थे कि सब्जेक्ट्स पता नहीं होता हमें कि हमने रूल्स पढ़े कि कौन से प्लूरल होते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, किन के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब, यानी फिजिकली हमें उन सब्जेक्ट्स का पता नहीं होता। तो मैंने आपको ये मतलब आइडिया दिया कि आखिर में एस इस्तेमाल होता है, फिर भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, क्यों, क्योंकि उसके नाम जो थे वो आपको बताए, और आपको वो भी सब्जेक्ट्स मैंने दिए कि भाई देखो आखिर में एस आता है लेकिन वो पेयर वाले अल्फाज होते हैं, आप देख लें जो पेयर वाले होते हैं जिनके दो ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हम उनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो पेयर वाले होते हैं, पेयर अल्फाज में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके मैंने नाम दे दिए आपको ये सारे पढ़े, ठीक है। फिर ये इस्तेमाल देखो इधर एस वाले, लेकिन सब्जेक्ट्स या नाम है, प्रॉपर नाउन है ये या स्ट्रिक्ट नाउन या अनकाउंटेबल, इसलिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ। फिर जो डिफरेंस था स्लाइट डिफरेंस है कि भाई कहाँ ये होता है, तो मैंने वो भी दिया है, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करें और इस पे कम फोकस करें, ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं, बेटा अगला पेज जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया था
कि जितने रूल्स मैंने पढ़ा लिए उन सारे रूल्स की टेस्ट, सब जो जितने भी रूल्स अभी पढ़ाए, जो मतलब जो 15 रूल्स मैंने रखे हैं टेस्ट में, बेटा टेस्ट में पढ़ाए तो बहुत है लेकिन इस टेस्ट में हमने डिसाइड कितने किए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और सही नमूने से 15 रूल्स की मैंने कहा आपको कंबाइंड एक 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 रूल एक टेस्ट जो है वो बना के मैं दूंगा। तो वो देखो ये सेंटेंसेस जो आपके पढ़े हैं, ठीक है ना, तो ये एरर्स वाले ऊपर वाले सेंटेंस हैं और उसके मैंने 20 सेंटेंसेस रखे हैं। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो है वो आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताऊं, बोले तो आपको मैं पीडीएफ में बता मतलब भेज दूं, या जितना टाइम है उतना तो मैं आपको एक्सप्लेन करके ये सेंटेंसेस बता देता हूं, उसके बाद वाले जो होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में बता देता हूं, भेज दूंगा। अच्छा देखो मैंने दो एरर्स के इधर रखे बेटा, नीदर कोच माइक नॉर हिज प्लेयर्स हैविंग इनफ स्किल टू विन द स्कॉलरशिप, ठीक है। तो बेटा देखें इसके अंदर कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ सिंपल से हमने दो एरर्स के रखे। आप देखें मैंने आपको बताया कि जो तीन कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है नार, दूसरा होता है आर और तीसरा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद वाला जो है वो आपको, या नॉर के बाद वाला आर के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है उसके बाद। तो बेटा देखें अब इधर जो एरर हो रही है, यानी इधर जो एरर हो रही है वो किसमें हो रही है, यानी हैविंग इनफ, हैविंग जो इधर पढ़ा है, हैविंग जो पढ़ा है ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप देखें हिज प्लेयर्स, हिज प्लेयर्स के बाद बेटा प्रॉपर नमूने से वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। तो नीदर कोच माइक नॉर हिज प्लेयर्स हैव इनफ स्किल, इधर होगा हैव, क्योंकि नार के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो आपको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना होगा। तो इधर देखो प्लूरल वर्ब है नहीं, तो ये एरर हो गई हमारी, ठीक है ना, ये एरर के साथ बाकी सारा सही है। तो वह भाई किस तरीके से भी वो दे सकते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड, अ क्राउड ऑफ कैथोलिक्स वॉज ओके जस्टिफाइंग देमसेल्व्स एज बेटर देन प्रोटेस्टेंट्स। अब देखो मतलब टेक्निकली भी हम हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज की हमें नॉलेज हो, टेक्निकली भी दे सकते हैं। अब आपको कैथोलिक्स का पता नहीं है कि पता नहीं ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है कौन सा वर्ड है, बेटा आप देखो इस वर्ड को लेके आए कहां से, इधर आकर आप जो वो इस वर्ड को मिलाए, तो इधर वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है आखिरी वो क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल वर्ड हो गया। तो आप देखें ये प्लूरल हुआ है तो जाहिर है ये भी प्लूरल होगा, मतलब एक हमारा सेंस होता है तो आपको पता नहीं हो लेकिन ये भी प्लूरल हो जाएगा क्योंकि कैथोलिक्स ये भी प्लूरल है, जरूरी नहीं है जो हमने अभी पढ़ा जो इससे पहले जैसे सीरीज पढ़ा इनिंग्स पढ़ा कि उस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखो अ क्राउड ऑफ कैथोलिक्स, अ क्राउड ऑफ के साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये कि क्राउड ऑफ के साथ देखो बोलेंगे आप अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट या अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ पर्सन या क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ देखें टीचर या टीचर्स बोलेंगे। जाहिर है अल्फाज काफी हेल्प करते हैं जुमले के अंदर, काफी ये चीजें देखो अब तीन चीजें आ गई, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है हमारे हेल्प करती है, क्राउड भी पढ़ाए, कैथोलिक्स भी पढ़ाए, प्रोटेस्टेंट्स भी पढ़ाए। आपको कैथोलिक्स का सेंस नहीं आता, पता नहीं है ये क्या है, छोड़ दे मीनिंग नहीं आ रही, आप अ क्राउड देखो क्या है उसके साथ लगाओ। यहाँ इतने हमने रूल्स डिस्कस किए तो आप खुद भी कुछ अप्लाई तो करें ना। अच्छा फिर ये देखें पढ़ाए तो हमें पता पड़ा कि इधर जो यानी वो जस्टिफाएंगे ये हमारी एरर है क्योंकि प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल, अ क्राउड ऑफ कैथोलिक्स वर जस्टिफाइंग, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखो नंबर थ्री पे ट्यूब लाइट विथ ऑल इट्स एलिमेंट्स ओके डैश ब्रोकन बाय चिल्ड्रन, तो बेटा भले ही ये पढ़ा है प्लूरल, इधर भले आपका प्लूरल पढ़ा है लेकिन वेद के इस तरफ देखें ये यानी आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बहुत आसान है आपने ये कर लिया आपका रूल। अच्छा इफ ही हैज रिटन द लेटर आई डैश इट ओके, इफ ही हैज रिटन द लेटर आई डैश इट, बेटा ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट समझे कि आपकी टेस्ट के अंदर सिलेबस तो पहले दिया हुआ है, बता देता हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल्स दोनों है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल्स दोनों है, मैंने इस बार पैराग्राफ या पैसेज नहीं रखा है, फिर हम आगे जाकर रखेंगे तब मैं बोलूंगा आपको, कंडीशनल्स के भी क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी हैं, ठीक है दोनों हैं, कंडीशनल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों हैं। अच्छा तो अब आप देखें इफ ही हैज रिटन द लेटर आई डैश इट, बेटा देखो हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट का है ना,
तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के साथ कौन सी कंडीशनल होगी? देखो इसका ए होगा बेटा, क्योंकि वुड पोस्ट ये कंडीशनल टाइप टू का है, वुड हैव पोस्टेड कंडीशनल टाइप थ्री का है। अब स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुई है, इधर क्वेश्चन करेंगे। बेटा कहाँ इस्तेमाल हुई है मुझे बताओ, कहाँ इस्तेमाल की है मैंने वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? बोलते हैं कि सर हैव पोस्टेड देखो लिखा हुआ है। अरे भाई ये तो हैव के साथ इस्तेमाल हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ देखो इस्तेमाल। आप पढ़ पढ़ के इरिटेट हो गए, हम पढ़ा पढ़ा के इरिटेट हो गए, ये मतलब देखो अब मतलब इतने टाइम के बाद ये बात तो एक तो हुई है, यानी आपकी और हमारी। देखो तो आप देखें वुड हैव पोस्टेड, बेटा हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, ना कि वुड के साथ इस्तेमाल की। कहाँ इस्तेमाल की वुड, ये पढ़ा है देखो, बी ऑप्शन में पढ़ा है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है नहीं आई ना? तो ये अगर बी होता है, देखो अगर बी होता है या हैव होता है तो आप इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इनके साथ आप कर सकते हो। बी इज एम आर वाज वर हो या बी खाली हो, जो भी हो। अच्छा उसके बाद नंबर फाइव, एट द बेक ऑफ दिस बिल्डिंग डैश पार्क मेनी कार्स दैट ऑफन डैश ट्रबल, ठीक है, एट द बेक ऑफ दिस बिल्डिंग डैश पार्क, ओके। अब देखो मेनी कार्स दैट ऑफन डैश, तो आप मुझे बताएं क्या इस्तेमाल होगा, एट द बेक ऑफ दिस बिल्डिंग आर पार्क, ठीक है, क्या पार्क किया हुआ है, मेनी कार्स, तो मेनी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, आर पार्क मेनी कार्स दैट ऑफन कॉस, कॉस यानी ये देखो प्लूरल वर्ब है वो आएगा, आर तो सही है लेकिन कॉसेस तो नहीं लगेगा ना, ये गलत हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नंबर सिक्स है, ऑन नेशनल हॉलीडेज 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन नेशनल हॉलीडेज 1/4 ऑफ स्टूडेंट, बेटा इनके साथ जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा, तो 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स देखो वर्ब प्रेजेंट भी ये आपका दुरुस्त होगा, ठीक है। इसके बाद और भी सेंटेंसेस हैं लेकिन बेटा आप टाइम नहीं है, मैं आपको उसका पीडीएफ भेज देता हूँ, सेंटेंस आप खुद देख लें। देखो ये सेकंड पढ़ा है 7 से लेकर 13, आप खुद इसको हल कर देना, मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, आप खुद ये टेस्ट है आप खुद हल कर देना, पूछेंगे तो मैं की बता दूंगा। देखो इसके बाद ये वाले सेंटेंसेस हैं, तो ये सब हम जो आपको पीडीएफ भेज रहे हैं, आप खुद ही प्लीज उस पीडीएफ के अंदर हल करके फिर अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पहले पूछ लेना, ओके। आज इतना काफी है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें पढ़ें और कल तैयारी करें टेस्ट की, ठीक है। कोई मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं रही, अगर आपके हिसाब से है तो बोले पूछ लेना प्लीज।